हेलो एवरीवन, आई एम योर चारू मैम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक लीस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एलसीएम। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, विच मीन्स एलसीएम क्या होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ऑफ टू और मोर नंबर्स का। वी यूज द फॉलोइंग मैथड्स टू डिटरमाइन द एलसीएम। मैथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एलसीएम, फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज रिपीटेड डिवीजन मेथड। तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और रिपीटेड डिवीजन मेथड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 and 24। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 और 60 के लिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के राइट करेंगे 2, 2, 2, 3, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो सिमिलर इसी वे से 60 के फैक्टर्स राइट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। वी काउंट द कॉमन फैक्टर फर्स्ट, देन मल्टीप्लाई देम विथ अदर रिमेनिंग फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे। 24 और 60 में 2 कॉमन फैक्टर है, अगेन 2, नाउ 3। तो यहाँ पर 2, 2, हमने 2 टाइम्स राइट किया, ऐसे ही 3 राइट किया, बट यहाँ पर 2 एंड 5 ये रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, तो लास्ट में आप इन्हें भी राइट करेंगे 2 and 5। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे। अब जो कॉमन फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर नहीं बन रहे 2 और 5, तो लास्ट में हम इन्हें भी राइट करेंगे। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 60 and 24 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 120। तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, देन रिमेनिंग फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60 and 24 का 120। नाउ नेक्स्ट मेथड इज रिपीटेड डिवीजन मेथड। इफ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ सो मैनी एंड लार्जर नंबर्स, देन वी यूज दिस मेथड। सो अगर हमें लार्जर नंबर के लिए एलसीएम फाइंड करना है तो हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि रिपीटेड डिवीजन मेथड। सो एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 35, 84 and 91। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड से स्टेप वन देखेंगे, डिवाइड 35, 84 and 91 बाय अ सूटेबल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से इन तीनों ही नंबर को डिवाइड करेंगे, विच एग्जैक्टली डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर्स, एज 84 इज डिविजिबल बाय 2, वी टेक 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 35, 84 and 91। इन तीनों नंबर में 84 जो है स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 2 से डिवाइड करेंगे। बट हमने ये देखा कि यहाँ पर इन तीनों नंबर में सिर्फ 84 ही 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिवाइड करने पर आएगा 42। 35 और 91 डिवाइड नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट रो में हमने इन्हें एज इट इज़ राइट किया। 35 और 91 एज इट इज़ सेकेंड रो में हमने राइट किया। नाउ अगेन चेक करेंगे स्टेप 2, पुट द क्वेश्चन दैट इज 42 डायरेक्टली इन द नेक्स्ट रो। 42 को हमने नेक्स्ट रो में राइट किया, एज 35 एंड 91 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, पुट देम डायरेक्टली इन द नेक्स्ट रो। अब जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे थे एज इट इज़, हमने उन्हें सेकेंड रो में राइट किया। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 इज कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 अंटिल ऑल द नंबर्स लेफ्ट इन द लास्ट रो आर 1। अब हम इसी प्रोसेस को, जैसे हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में किया है, उसी तरह से हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक लास्ट रो में 1 ना आ जाए। तो अब हम इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 से डिवाइड किया था 84 को, नाउ 42 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने 2 से इसे चेक किया। अब 42 को 2 से डिवाइड करने पर आया 21, बट 35 और 91 एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। नाउ
35, 21 एंड 91 थर्ड रो में है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम 3 से चेक करेंगे। अब 3 से 35 डिवाइड नहीं हो रहा, तो एज इट इज़ 35 राइट करेंगे। अब 21 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 जा 21। 91 नहीं हो रहा था, तो उसे एज इट इज़ राइट किया। नाउ फोर्थ रो में 35 7 और 91 चेक करेंगे। अब यहाँ पर तीनों ही नंबर में 3 पर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने 5 पर चेक किया। अब 5 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 35, तो 5 7 जा 35। बट 7 और 91 हमने एज इट इज़ राइट किए, क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं हो रही थी। नाउ चेक करेंगे नेक्स्ट 7 7 91। अब यहाँ पर ये 7 से डिविजिबल हैं, तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7। ऐसे ही 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1 1 13 आ गया। नाउ 13 से डिवाइड करेंगे 1 1 एज इट इज़, और 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको हमने इस तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जब तक लास्ट रो में 1 1 1 ना आ जाए। नाउ लास्ट स्टेप, नाउ मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम नंबर्स बाय विच वी हैव डिवाइडेड टू गेट द एलसीएम ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। अब हमने जो गिवन नंबर्स को डिवाइड किया जिन प्राइम नंबर से, अब इन प्राइम नंबर से हमने इसे डिवाइड किया, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट स्टेप में एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो एलसीएम ऑफ 35, 84 एंड 91 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो इन सभी नंबर को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर आया 5460। तो इसी तरह से हम अदर नंबर के लिए भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करके। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचसीएफ टॉपिक, अब हमने डिस्कस किया एलसीएम टॉपिक। नाउ रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि टू गिवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यही रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। तो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। वेरीफाई इफ द प्रोडक्ट ऑफ 80 एंड 100 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 80 एंड 100 के लिए HCF और LCM फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 का हमने किया 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ऐसे ही 100 के लिए हमने देखा 2 × 2 × 5 × 5। तो इस तरह से हमने 100 और 80 के प्राइम फैक्टर्स राइट किए। आप इसे चेक भी कर सकते हो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 18। ऐसे 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 25 = 100। तो ये इसके सही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब एस सी एफ के लिए कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। अब यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर बनते हैं 2 × 2 ऐसे ही 5। तो इस तरह से 2 × 2 × 5 यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 इसका एस सी एफ आ गया। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते थे, एलसीएम ऑफ 80 एंड 100। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर 2 × 2 बन रहे हैं, उन्हें हमने राइट किया। ऐसे ही जो 5 है वो भी कॉमन फैक्टर है, तो उसे हमने राइट किया। बट जो रिमेनिंग फैक्टर्स थे 2, 2 और 5 उन्हें भी हमने राइट किया। तो ये हमने एलसीएम फाइंड करने के लिए प्रोसीजर फॉलो किया। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 80, 85 = 400। तो इस तरह से यहाँ पर हमने HCF और LCM फाइंड किया। नाउ चेक करेंगे इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अब गिवन नंबर यहाँ पर बनते थे 80 एंड 100, तो 80 और 100 का जो प्रोडक्ट है वो 8000 आया। ऐसे ही जो हमने यहाँ पर HCF और LCM फाइंड किए थे, HCF हमने फाइंड किया था 20, LCM हमने फाइंड किया था 400, यानी कि 20 और 400 का हम प्रोडक्ट चेक करेंगे। HCF और LCM का प्रोडक्ट वो भी क्या बन रहा है, 8000, और जो गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट था वो भी 8000 बन रहा है। देयरफॉर 80 मल्टीप्लाई 100 HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आया।
Therefore, the product of given number is equals to the product of their HCF and LCM. तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में हमने इस रिलेशन को वेरीफाई किया. होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हमने डिस्कस किए LCM टॉपिक. LCM हमने फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, रिपीटेड डिवीजन मेथड से, और हमने चेक किया रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF. होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.